नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्लोबल एटोमिक नेटवर्क टीम वॉरियर में, इंडिया की नंबर वन टीम टीम वॉरियर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एटोमिक इंडिया ऑफिशियल का जो फेसबुक ग्रुप है उस पर लेटेस्ट जो अपडेट आई है 13 मई को। तो हमारे काफ़ी लीडर्स ने रिक्वेस्ट किया कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और आपको एक्सप्लेन किया जाए कि एटोमी 22 मई को क्या अनाउंस करने वाली है। ठीक है, तो आगे बढ़ें उससे पहले जो हमारे नए यूज़र्स हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एटोमी की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और ये जो आप देख रहे हैं एटोमी इंडिया ऑफिशियल का फेसबुक ग्रुप है, अभी 13,000 मेंबर्स हैं इसमें। ठीक है, तो आप इसी ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है। ये लोगो है एटोमी का, ये ऑफिशियल ग्रुप है। इसके अलावा एटोमी इंडिया ऑफिशियल की तरफ से दूसरे ग्रुप चल रहे हैं, वो फेक है, नकली है। वहाँ पे वो ऑथराइज ग्रुप नहीं है। एटोमी इंडिया ऑफिशियल के नाम से कुछ लोगों ने ग्रुप चला रखे हैं, तो एज़ पर एटोमी की ऑफिशियल गाइडलाइंस आप उनमें ज्वाइन मत होइए। ओरिजिनल ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो इस ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको एटोमी की लेटेस्ट और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। और अगर आप नए हैं और एटोमी टीम वॉरियर में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इंदर राठौर फ्रॉम दिल्ली। आई एम ए डिजिटल ऑनलाइन मार्केटर सिंस लास्ट 10 ईयर्स। आई हैव एक्सपीरियंस एंड टोटल 15 ईयर्स एक्सपीरियंस इन नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप टीम वॉरियर के साथ ज्वाइन कर सकते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे पास एटोमी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम है, तो वी विल गिव यू डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम एंड ट्रेनिंग एंड रिगार्डिंग ऑल थिंग्स अबाउट एटोमी। ओके, सो आपको सपोर्ट रहेगा पूरे ट्रेनिंग सिस्टम का और आपको एजुकेट किया जाएगा, आपकी टीम को एजुकेट किया जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टीम वॉरियर में ज्वाइन करने के लिए कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, और जो भी हमारे सोशल मीडिया लिंक्स हैं आप उनमें ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपको सोशल मीडिया से भी एटोमी की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रही सही जानकारी। तो दोस्तों चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना की जो सिचुएशन है बहुत भयंकर चल रही है इंडिया में। ठीक है, 3 महीने हो गए और लॉकडाउन पार्ट 4.0 आने वाला है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोरोना से बचने के लिए टाइम टू टाइम ये जो लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं वो हम सब की सेफ्टी के लिए है। और अभी लॉकडाउन 4.0 का जो डिक्लेरेशन है, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, वो अभी आई नहीं है। तो रेड जोन क्या होगा, ऑरेंज जोन क्या होगा, ग्रीन जोन क्या होगा, अकॉर्डिंगली इंडियन इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए जितने भी कंपनीज हैं उसमें कितना परसेंट स्टाफ काम करेगा, किस तरीके से होगा, तो सारी चीज़ें अभी धीरे धीरे अपने उसमें स्टेबल होने वाली है। और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन एटोमी भी एक कंपनी है, एटोमी इंडिया प्राइवेट एंटरप्राइज के नाम से। तो एटोमी इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन को फॉलोअप करेगी और जो भी सिचुएशन रहेगी जिस भी प्रकार से अपनी लॉन्चिंग जो स्ट्रेटजी है, डेट है 22 मई को, ये बताएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन आने के बाद। तो आप अपने आप को सेफ रखिए, घर से मत निकलिए कोरोना के चक्कर में। ठीक है, और मास्क लगा के रहिए और आप अपना जो टीम है वो डेवलप करते रहिए। ठीक है, तो ये सारी जो गाइडलाइन है बिल्कुल हिंदी में बिल्कुल क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे रखी है एटोमी ने। जैसा ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन आएगी और उसके अकॉर्डिंग ये एटोमी अपना ऑफिस है सुचारू रूप से स्टार्ट करेंगे, जो भी स्ट्रेटजी होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लॉकडाउन की जो गाइडलाइन आएगी उसके अंदर ये एटोमी काम करेगी। और फिर उसको देखते हुए ये 22 मई को आपको एटोमी की लॉन्चिंग डेट भी बता सकते हैं, जैसा कि बिल्कुल क्लियर लग रखा है इन्होंने कि 22 मई 2020 तक एटोमी इंडिया ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप पर इसकी जो लेटेस्ट एटोमी इंडिया की लॉन्चिंग डेट है वो बताई जाएगी। अभी 18 जून की अप्रोक्सीमेट डेट बताई गई है, जो कि हम अपने लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। एटोमी की जो लेटेस्ट लॉन्चिंग डेट 18 जून के आगे या पीछे हो सकती है, फाइनल लॉन्चिंग की डेट आपको 22 मई को एटोमी बताएगी। ठीक है, सेकेंड चीज़ ये है कि एटोमी लॉन्च होने से पहले, ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च होने से पहले कुछ प्रक्रिया होती है जस्ट लाइक KYC। तो आप और आपकी पूरी टीम पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल, अगर आपने बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कीजिए। ये तीनों चीज़ें आपको 14 नवंबर से पहले की जो ID लगी हुई है उनको कंप्लीट करना पड़ेगा। 14 नवंबर के बाद जो आधार कार्ड और पैन कार्ड से जो ID लग रही है, पैन कार्ड तो आपका इंस्टेंट वेरीफाई हो रहा है और आधार कार्ड आप लोग अपलोड कर रहे हो तो आप कि ID वेरीफाई हो रही है, लेकिन KYC करनी पड़ेगी, बैंक डिटेल आपको डालनी पड़ेगी, तब आपकी KYC होगी। अभी जितनी भी ID एटोमी में लग रही है वो एज ए कंज्यूमर मेंबर लग रही है और आपका अकाउंट ADN में कन्वर्ट होगा, कंज्यूमर में से बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट होगा, उसको बोलते हैं एटोमी डिस्ट्रीब्यूटर नंबर।
ओके, तो जब आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही आप ऑनलाइन शॉपिंग कर पाएंगे, उससे पहले आप ऑनलाइन शॉपिंग भी नहीं कर पाएंगे। सेकंड चीज़ ये है, जिसकी KYC हो जाएगी वो ऑनलाइन शॉपिंग कर पाएगा। और तीसरी चीज़ ये है, आप एटोमी के अंदर सब कुछ एक्सेस तभी कर पाएंगे एटोमी इंडिया की वेबसाइट पर, जब आपकी KYC कंप्लीट होगी। ठीक है, तो KYC बहुत ज़रूरी है। और फिर एटोमी कोरिया की जो वेबसाइट पे अभी तक जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है वो डाटा पूरा माइग्रेशन होना है एटोमी इंडिया की वेबसाइट पे, तो वो एक प्रोसेस है, रूटीन प्रोसेस है, वो चलता रहेगा और साथ के साथ KYC भी चलती रहेगी। अभी एटोमी इंडिया में अप्रोक्सीमेट रजिस्ट्रेशन 12 लाख से ऊपर हो चुके हैं। एग्जैक्ट जो फिगर है वो कन्फर्म करके बताया जाएगा आपको कितना है, तो 12 लाख से ऊपर मान के चलिए आप। ठीक है, दिसंबर तक 10 लाख हो चुके थे, तो अभी 4 महीने में 12 लाख से ऊपर जा चुके हैं रजिस्ट्रेशन अप्रोक्सीमेट। एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट संख्या मेरे को भी मालूम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि एक तो आपको ऑफिशियल एटोमी की लॉन्चिंग डेट बताई जाएगी, साथ के साथ एटोमी कोरिया से एटोमी इंडिया की वेबसाइट पर जो डाटा माइग्रेशन का काम है वो स्टार्ट होना है, फिर KYC होनी है। ये तीनों जो स्टेप हैं इनके बारे में एटोमी कुछ ना कुछ जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपको बताएगी, तो वो इन्फॉर्मेशन आप सुनिए और उसके अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए। फिलहाल आप अपना काम कीजिए, आपका काम एक अच्छी और क्वालिटी बेस्ड टीम रेडी करना, मास्टरशिप पे फोकस कीजिए, अपनी टीम को एजुकेट कीजिए। और एटोमी सही समय पे लॉन्च होने वाली है बहुत ही जल्दी, और एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड सेटअप होने वाला है इंडिया में एटोमी के माध्यम से। काफ़ी लोगों को, लाखों लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिलने वाला है, जैसा कि कोरोना के सिचुएशन में काफ़ी लोगों की जो प्राइवेट जॉब्स थी वो नौकरी नहीं है अभी। तो एटोमी के अंदर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, एक स्टेबल लॉन्ग टर्म प्लेटफॉर्म है, थर्ड जनरेशन तक आपको एटोमी की जो पैसिव इनकम है वो आती रहेगी, अगर आप यहाँ पे एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम के साथ, एक अच्छी टीम के साथ ज्वाइन करते हैं, एक अच्छे प्लान के साथ ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया होगा, और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एटोमी टीम वॉरियर में ज्वाइन होने के लिए आप कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, आपको पूरा सपोर्ट रहेगा एजुकेशन सिस्टम एंड ट्रेनिंग्स का। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।